दोस्तों फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और दोस्तों इस साल का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये रजनीकांत को दिया गया है। तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों वर्ष 2019 के लिए 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये रजनीकांत को दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों हम इंपोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए रजनीकांत को दिया गया है 2021 में, ठीक है। और रजनीकांत का जन्म हुआ था शिवाजी राव गायकवाड़ के रूप में 1950 को बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु से इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की, बाद में ये बस कंडक्टर के रूप में जॉब करने लगे। इसी जॉब के दौरान इनके दोस्त राज बहादुर की सलाह पर इन्होंने मद्रास अड्यार फिल्म इंस्टीट्यूट में एक एक्टिंग कोर्स किया, ठीक है। जो राज बहादुर हैं, आप लोगों ने अभी शायद न्यूज़ में सुना होगा कि ये जो अवार्ड है ये रजनीकांत ने किसको समर्पित कर दिया है, तो अपने दोस्त ये ड्राइवर थे राज बहादुर, ठीक है, इनको समर्पित कर दिया है। और दोस्तों रजनीकांत की जो पहली फिल्म थी वो थी अपूर्वा रा गंगाल, ठीक है। और रजनीकांत को केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2000 में पद्म भूषण और वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इस साल 2021 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2021 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, लेकिन किस साल के लिए दिया गया है, तो 2019 के लिए दिया गया है, ठीक है। कुछ भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वर्ष 2018 के लिए, अभी हमने देखा है वर्ष 2019 के लिए, हम बात कर लेते हैं वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। दोस्तों वर्ष 2018 के लिए 2020 में, कब 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये स्थापित किया गया था 1969 को, कब 1969 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, सिनेमा के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च सम्मान जो है वो है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, तो दोनों हमें याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर, कौन है, प्रकाश जावड़ेकर हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर है, कौन है, अनुराग ठाकुर है। इनके पहले कौन थे, तो प्रकाश जावड़ेकर थे, ठीक है, लेकिन जो मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है तो नए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन बन गए हैं, अनुराग ठाकुर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या है। दोस्तों दादा साहब फाल्के जो है इनका पूरा नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के, वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो दादा साहब फाल्के हैं इनको भारतीय फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों प्रथम दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये देविका रानी को दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार स्टेटिक जीके में पूछा जाता है, और इनको ये अवार्ड कब दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था। दोस्तों इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, मरणोपरांत दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है। दोस्तों मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं, उनका नाम है पृथ्वीराज कपूर, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको यह अवार्ड दिया गया था 1971 में,
और मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दादा साहब फाल्के का जन्म कब हुआ था? दोस्तों दादा साहब फाल्के का जन्म जो है ये 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दादा साहब फाल्के का जन्म जो है ये 30 अप्रैल 1870 को एक मराठी परिवार में हुआ था, ठीक है, और महाराष्ट्र के नासिक में इनका जन्म हुआ था। बाद में ये कहाँ चले गए थे? तो जर्मनी चले गए थे, और जर्मनी में इन्होंने फिल्म बनाने की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद में वो भारत आए और भारत में फिल्म बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के को क्या कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली साइलेंट फिल्म यानी कि भारत की जो फर्स्ट मूक मूवी है वो कौन सी थी? वो थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और जो राजा हरिश्चंद्र है ये कब बनी थी फिल्म? तो ये 1913 में बनी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। ये मूवी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1931 को, ठीक है। पहली जो मूक फिल्म है ये 1913 को बनी थी, और जो पहली बोलती फिल्म है आलम आरा ये बनी थी 1931 को। 1913, 1931, तो इस प्रकार से आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत कितने रुपए इनामी राशि दी जाती है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, और इस 10 लाख रुपए के साथ में एक स्वर्ण पदक कमल दिया जाता है और एक शॉल गिफ्ट में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रमुख व्यक्ति, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अभी तक 51 व्यक्तियों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। उनमें से दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी थी, ठीक है, इनको 1969 में दिया गया था। पृथ्वीराज कपूर, इनको 1971 में दिया गया था। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम मरणोपरांत व्यक्ति हैं, ठीक है। लता मंगेशकर को 1989 में दिया गया था, भूपेन हजारिका को 1992 में दिया गया था, दिलीप कुमार को 1994 में दिया गया था, कवि प्रदीप को 1997 में दिया गया था। कवि प्रदीप आप लोग जानते होंगे कि देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये पूछा भी जाता है, ए मेरे वतन के लोगों जो देशभक्ति गीत है इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं कवि प्रदीप, ठीक है। आशा भोसले को सन 2000 में दिया गया था, और प्राण को 2012 में दिया गया था, के विश्वनाथ को 2016 में, विनोद खन्ना को 2017 में, अमिताभ बच्चन को 2018 के लिए 2020 में, ठीक है, 2018 के लिए 2020 में, और रजनीकांत को 2019 के लिए 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वन जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोज को देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।